अनिल जी, थोड़ा कॉन्ट्रा बेट रहेगा, मेटल्स बेस से वेदांता पे बाई करने की सलाह रहेगी। देखिए, ये सब कोर सेक्टर फेसिंग इंडस्ट्रीज है और मेटल की खपत होनी ही, आयरन और माइनिंग ये चलता ही रहेगा और इसकी यूटिलाइजेशन भी चलती रहेगी, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक में गिरावट आया है। क्यूटी नॉर्मली सिक्लिकल बेसिस पे इनका वीक रहता है, बिकॉज मानसून के कारण बहुत सारे माइन सब खदानें बंद रहती है, वहाँ पर एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ये जो सुस्ती छाया हुआ है इसमें और जो गिरावट चल रहा है, यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करना चाहिए। 230 से 40 एक ऐसा रेंज है जहां पर ये मुझे मेरे हिसाब से काफी वैल्यू बाई बन जाता है। तो इस गिरावट पर अगर खरीदारी करके चले तो आने वाले दिनों में, मतलब अगेन मैं दिवाली तक का टारगेट यहाँ पर देना चाहूंगा, 300 से 310 के आसपास का मिनिमम ट्रेडिंग बेट इसमें बनता है और काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। चाहे तो आप 220 का एक स्टॉप लॉस ले लें और 300-310 के टारगेट के लिए से बाई करके चल सकते हैं। अनिल जी, आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की आज बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो स्टॉक्स एंड टेक्निकल स्टडी में तो काम आता है, हमारे लाइफ में भी बेसिक लुक में काम आता है। आपने योगा पर जबरदस्त शो किया था, तो अगर आप शीर्षासन करें तो वहां पर भी इन्वर्टेड शोल्डर हेड एंड शोल्डर ह्यूमन बॉडी का बन जाता है। तो ये हेड एंड शोल्डर सबका आज बहुत ही जबरदस्त सुर्खियों में फेवरेट पैटर्न लगता है।